और आज असल में मसला इतना मुश्किल हो गया ये बात करना नहीं आप लोगों को यही समझ में आती है भाई आपके मसाइल क्यों निकल रहे सोसाइटी में exactly. और अभी क्या आने वाला है अल्लाह हमारी हिफाजत करे तो ये चीज़ों को सीरियस लेने की जरूरत है कि दैट यू नो इज़ इट्स इज़ी टू ब्लेम अ चाइल्ड बट वी डोंट अंडरस्टैंड वी डिड नॉट गिव द चाइल्ड द वेरी फर्स्ट राइट right, जो उसको मिलने की जरूरत थी ताल्लुक रिलेशन जो बाहर तलाश कर रहा है ह्यूमन नीड जब नहीं होगा तो उसका ब्रेन डेवलप नहीं होगा ब्रेन डेवलप का वो सेक्शन डेवलप नहीं होगा तो फिर वो उस, वो कोकेन में ढूंढेगा वो हीरोइन में ढूंढेगा और अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये कोकेन uh, उस चीज को फीड करती है जो उसकी बचपने से एबसेंस है तो इसलिए वो बन जाता है हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है तो जो मैं बोलूंगा वो शो में आएगा चैनल स्टार्ट करते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट शो आज का टॉपिक है बुरी औलाद आज काफ़ी पेरेंट्स मैसेज करते हैं काफ़ी पेरेंट्स का कंसर्न होता है हमारे बच्चों की काउंसलिंग कर दें एंड uh, uh, शायद uh, उनकी अल्लाह तआला को जज़ाए खैर अता करे वो काफ़ी उम्मीदें लगाते हैं जैसे हम पता नहीं कोई ऐसा काम कर देंगे तो शा, जो शायद माँ बाप ने इतने सालों में नहीं किया बट वी नीड टू अंडरस्टैंड के Uh, हमारा टॉपिक जो आज का है वो किसी वजह से हमने रखा है कि uh, आजकल जो बहुत बड़ा एक चैलेंज है वो औलाद की तरबियत है एंड यू डोंट रियलाइज़ कि बहुत बड़ा चैलेंज है जब तक आप खुद माँ बाप नहीं बनते और uh, बुरी औलाद क्या होती है क्या माशरे वाले जो बोलते हैं ख़ानदान वाले जो बोलते हैं uh, कौन बुरी औलाद होती है और हाउ डज़ इट लीड टू बी यू नो चाइल्ड एंड अप बीग अ बुरी औलाद एंड uh, क्या आप फैक्टर्स कर सकते हैं क्या आप चीज़ों को एहतियात कर सकते हैं आपका परसेप्शन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के बात करने के लिए कुछ गंदे बच्चे हमने बुलाए हुए आज <laughs> <laughs> हमारे यूज शो के uh, हैदर हमारे साथ मौजूद हैं जी <laughs> कैसे हैं आप हैदर बिल्कुल ठीक ठीक हाँ तो आप मुझे आज केस बताइए किस तरह से है जना कि क्या आप किस तरह से सुधरे और किस तरह से हुआ तो माँ को कैसे परेशान किया आपने बड़ी इन शाल तो आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और साथ में आप हमने एक लाइव केस स्टडी लाए हैं जो हमें हम साथ में नेक औलाद लाए जी वो बराबर लागे <laughs> जी कैसे ला दुरे 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 ला। तो कुछ प्रेशर फील तो नहीं कर रहे आज की all, के टॉपिक पे नोट वालदा सुन रही होंगी वालिद साहब सुन रहे होंगे और घर जाएंगे तो बोलेंगे ये 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 बातें देखो इसकी बातें देखो इसकी घर पता है बोलो तो जब भी मैं घर जाता हूँ अम्मी हमेशा ये बात कहती है कहती है ये वही जरिए है जो शो में आता है मैंने कहा उम्मीद तो यही हमें वज की सवाल <laughs> <laughs> भी किया था पता नहीं कि, कि किसी मैरिज uh, के ऊपर या किसी इस तरह के टॉपिक के ऊपर कहा लगा होगा तो वो मेरी वाइफ उधर ही थी जब वापसी भी घर जाने से पहले मेरी वाइफ ने पूछा कि ये बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी कर रहे हैं ये घर में भी ऐसे ही है कि नहीं सवाल वैलिड है ऐसे सवाल वैलिड है जवाब नहीं बताऊंगा मैं आपको अलहदुल्ला मेरे घर वाले तो देखते हैं थे कि आप बात करते हैं बल्कि कम करते हैं आप मना आप जिस तरह तर अच्छे हैं जितने आप अच्छे हैं उससे आप कम बात करते हैं ज़्यादा कर रहे थे लोग और पता चला आप कितने अच्छे तो खैर uh, मैं तो बस अपनी मुँह से तारीफ नहीं करना चाहता लेकिन एकदम <laughs> बेगम भी बोलती हैं कि बस आप बुरी औलाद पेरेंटिंग इजूज चैलेंज एंड आई थिंक वेना इसे

अजय भाई मेरे ख्याल से चैलेंजेस हैं वो हर दौर के अपने डायनेमिक होते हैं हम सबको पता है ये बात तो हर टाइम के लिहाज से पेरेंट्स को जो है ना वो सीखना पड़ता है कि इस वक्त सिचुएशन क्या है आजकल के चैलेंजेस क्या हैं उनको अप टू डेट रहना पड़ता है प्रॉब्लम्स की वजह से लेकिन मैं जो यहाँ पे एक ट्विस्ट आज जिक्र करना चाहता था ना एक जो मैं एक, एक एंगल लेके आना चाहता हूँ पर्सपेक्टिव जिसको बहुत कम सेल्डम जिक्र किया जाता है वो ये वाला एस्पेक्ट था कि जो पेरेंट्स हैं हमारे ये जो औलाद जो हम कहते हैं ये जनरेशन ही बुरी है ये आजकल के बच्चे ही ऐसे हैं जनरेशन ही ऐसी है ये लोग हैं ही ऐसे तो बुरे बच्चे हैं बदतमीज़ बच्चे हैं बात नहीं सुनते ना फरमान ना ऐसे ये बच्चे मेरा सवाल है कि ये बच्चे क्या पैदाइशी ऐसे थे या मतलब पैदा ही ऐसे होते हैं क्या चक्कर है क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो क्लियर कट फरमान है कि, कि हर बच्चा जो है वो फितरत के ऊपर पैदा होता है कुल्लू बोलूदन दौलत फितरा कि वो फितरत के ऊपर पैदा होता है फिर उसके माँ बाप जो है वो उसको यहूदी या उसको नसरानी या उसको जो है ना वो मूसी बनाते हैं तो ये बात की सारी की सारी बात है। तो जो आपके औलाद बदतमीज़ हो रही है या नाफरमान हो रहा है इज़ इट बिकॉज ऑफ़ योर अप्रिंगिंग और इज़ इट प्योरली बिकॉज ऑफ द चाइल्ड्स ओन नेचर और द सराउंडिंग दैट ही इज़ लिविंग इन तो बिल्कुल हम आपको पता है हम बार बार बात करते हैं सराउंडिंग के भी बहुत सारे चैलेंज़ हैं मीडिया के बहुत सारे चैलेंजेज़ हैं रिलेशनशिप ई इशूज़ हैं दीगर एक मसाइल हैं जिनको देखना पड़ता है लेकिन जो एक बड़ा बुनियादी मसला ना वो पेरेंट्स ने ज़िम्मेदारी लेना जो है ना वो छोड़ दिए हम लोगों ने ज़िम्मेदारी लेना छोड़ दी है पेरेंट्स ने ज़िम्मेदारी छोड़ दी है यही वजह है कि जिन औलाद की आप बात करते हैं कि वो बुरी है वो खुद नहीं है वो आपकी अपनी पेरेंटिंग की वजह से वो इस जगह पर आके इस नहज पर आके खड़ी हुई है तो माई पर्सनल ओपिनियन ऑन द सब्जेक्ट इज़ कि जितना कसूर यूथ का अपना खुद है मेरे ख्याल से इन माई हम्बल ओपिनियन इससे कहीं ज़्यादा कसूर जो है वो पेरेंट्स का अपना है वो इनशाला आगे चल के एक एक करके इसको हम खोलते हैं अक्सर बेशतर नहीं बल्कि मोस्ट द टाइम माँ बाप का ही कसूर होता है बिल्कुल और ये उनकी एक हेल्पलेसनेस होती है जिसको वो बेसिकली अपने ऊपर से शोल्डर से रग ऑफ कर रहे होते हैं कि जैन कि बच्चा हमारे हाथ से निकल गया है और ऐसे बहुत से बच्चों के कैसेज़ हैं हम असल में क्योंकि पेरेंट्स को सबसे पहले एक बात समझने की ज़रूरत है कि देखिए आप उसके खाने पीने का ख़्याल रख रहे हैं आप उसको स्कूल भेज रहे हैं उसकी तालीम का ख़्याल रख रहे हैं आप उसकी तरबियत नहीं कर रहे हैं exactly. आप उसकी रियाया का ख्याल रख रहे हैं ठीक hmm. है उसका यू फुलफिलिंग वन एस्पेक्ट जो उसकी ज़रूरियात हैं जो शेख ने उनसे किसी ने पूछा कि मैं अपने बच्चों को नमाज से कैसे नमाज की मोहब्बत उनके दिल में कैसे डाड़ूँ तो शेख ने बोला कि आप अपनी मोहब्बत उनके दिल में डालिए और जब तक बच्चों के साथ हमारा ताल्लुक बिल्ड नहीं होगा और ये ये तरबियत है अगर आप चाहते हैं कि औलाद के अंदर नमाज की मोहब्बत आए वो नमाज़ पढ़ना शुरू करे उनके अंदर दीन की मोहब्बत आए उनके अंदर फ़ना फना चीज़ों की आ, का डिसप्लिन आए उन्होंने आपसे मोहब्बत करनी है आपका ताल्लुक आपका रिलेशनशिप उनसे बिल्ड होना है और ये कोई बाहर वाला नहीं करेगा ये ये आप आउटसोर्स नहीं कर सकते ये बार बार मैं अपने सेशन में भी कहता हूँ कि आप टीचर को नहीं दे सकते ये आप किसी इमाम को नहीं दे सकते जो तरबियत है वो माँ बाप करेंगी और ये अक्सर बेशतर हम आउटसोर्स कर देते हैं फ्रॉम एन अर्ली एज कि हमने उसको मॉन्टेसरी प्री मॉन्टेसरी प्री नर्सरी से हम जब डालना शुरू कर देते हैं तो वो आउटसाइड सोशल इन्वामेंट में बहुत ही ज़्यादा घुल मिलना की आदत हो जाती है तो उनके लिए ऑटोमेटिकली इन विद इन अ फ्यू थ्री इयर्स वो माँ बाप की जो इम्पोर्टेंस uh, होती है ना वो डिमिनिश होना शुरू हो जाती है कि देखिए मेरे लिए तो बाहर uh, वाले क्या सोचते हैं और वो क्या करते हैं वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है एंड part of it is uh, also the education system fault so I think we need to differentiate between तरबिया और रियाया कि तरबियत आपने करनी है और आप माँ बाप अपने औलाद के साथ मोहब्बत रखेंगे देखिए आप जिसके साथ अगर आपसे कोई इज्जत से बात करता है आपको अगर कोई रिस्पेक्ट देता है आप उसके लिए क्या करने के लिए तैयार नहीं रहते तो आपको भी सुनता है आपकी सोच करता है तो ये अगर माँ बाप करने लगे अगर माँ बाप नहीं करेंगे तो भारवाले करेंगे एक्जैक्ट exactly. तो ये एक बेसिक है इशू है तरबियत के एक बहुत ही इश्यूज़ hmm. चल रहे हैं और लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि द किड्स आर नॉट हाउ दे वर बैक इन आवर टाइम ऑफ कोर्स चैलेंजेस अपने हिसाब से हैं आज के तो आजकल कल क्या पेरेंट और चिल्ड्रन की जो एक गैप आया हुआ है उसमें क्या बेसिक चैलेंजेस आ रहे हैं जो आपको आस पास दोस्तों से सुनने को मिलते हैं यंगस्टर्स सुनने को मिलते हैं आ, क्या क्या है अच्छा वजी भाई एक चीज़ जो है वो जेनरेशन का बहुत बड़ा गैप होना हमारे पेरेंट्स और हम में जो गैप था जनरेशन का वो बहुत एक ड्रास्टिक शिफ्ट आया था सोशल मीडिया का दौर आ गया था और काफ़ी ज़्यादा एक कल्चरल डिफरेंस था हमारे माँ बाप के टाइम में और हमारे टाइम में इसमें पेरेंट्स की गलती ये थी कि उन्होंने अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं किया अपनी औलाद के साथ अपना वो रिलेशनशिप बिल्टिंग किया उन्होंने खुद उनकी इंटरेस्ट्स में अपने इंटरेस्ट नहीं रखे तो हुआ ये कि औलाद जो थी उनको कोई दोस्त वाला या कोई मैंटोर वाला एलिमेंट अपने वालदे में नहीं दिखा तो उन्होंने वो एलिमेंट जो है वो बाहर जा के ढूँढना शुरू कर दिया दोस्तों में और अल्लाह की नेमत अगर हो तो आपको अच्छे दोस्त मिल जाते हैं जो आपको सिंसियर एडवाइस करते हैं चीज़ें समझाते हैं वरना मोस्टली दोस्त जो होते हैं वो मतलब आपको वो फेयर नहीं होता कि दिल जज यू दिल यू नो मतलब रिसेंट मैं एक दोस्त से बात कर रहा था ऑन वीडियो कॉल तो ही स्टार्टेड वेपिंग एंड ही वॉज लाइक यार तुम लोग मेरे कितने अच्छे दोस्त हो मतलब आई डोंट फील जज मैंने कहा तो सही बात नहीं है मतलब वो तो आपका दोस्त ही नहीं है जो आपको uh, आपको गलत काम पर जज ना करे असल दोस्त ही वो है जो आपको समझाए कि नहीं दिस इज़ रॉन्ग और असल दोस्त के सामने आपको डर लगे ये चीज़ें करते हुए तो वो पेरेंट्स ने एक रिलेशनशिप जो है ना औलाद से वैसा ना रखे स्टॉप हाँ स्टॉपिंग माई डैड तो वो एक डांट देना बच्चों को और बस टोक देना बच्चों को वो वाला रिलेशनशिप रहा लेकिन वो जो एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना औलाद से वो रिलेशनशिप बिल्ड करना उस तरह से उनके इंट्रस्ट को अपना इंटरेस्ट बनाना वालदे ने इस चीज़ में आई गेस बहुत लैकिंग क्या लगता है कि ये वालदे का कम्प्लीटली उनका कसूर है या सिस्टम ऐसा डेवलप हो गया जिसने माँ बाप और बच्चों के बीच में एक बहुत ही एक डिस्टेंस क्रिएट कर दिया फॉर इंस्टेंस Uh, आज अगर मैं ये बात बोलूं uh -huh. कि मैं बात कर रहा हूं सामने आपके लेकिन आज मेरे लिए कितना बड़ा चैलेंज है अपनी बेटी को मोबाइल से दूर रखना True. स्क्रीन से दूर रखना Allah. और आप अकेले होते हो आप जहां जाओ अगर आप उसको uh, मिलने के लिए भेजो अदर आर वाचिंग इट दो सो मच सो मैनी ऑप्शन अवेलेबल एंड इवेंचुअली जो ना एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है hmm. तो ये माँ बाप मैं मैं तौर पे समझता हूँ कि हमें असल में हमने असल में माँ बाप को माँ बाप बनना सिखाया नहीं हमने सब चीज़ सिखा दी माँ बाप नहीं बना जनरेशन को की तरबियत किस तरह से करनी है बिकॉज जो शुरू के तीन साल होते हैं औलाद के साथ तीन साल होते हैं वो शुरू के तीन साल आपके क्रूशल होते हैं आपने या तो ताल्लुक बिल्ड कर दिया या आपने ताल्लुक़ बिल्ड नहीं किया hmm. और ये तीन साल में जो वालदा होती हैं मेजोरिटी केसेज उनका उनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है उनका बड़ा ताल्लुक होता है वो उस तीन साल में उस बच्चे की नेचर को समझ जाती हैं मैं जब आ, कभी कभार घर जाता हूँ तो यू नो you know, काम से आता हूँ तो माई डोटर कंप्लेन और सरन थिंग छोटी सी है उसको पता है कि क्यों कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं होती उसको पता है कि मेरे माई डैड इज़ गन टू मी मैंने क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ एंड माई वाइफ नोस ना कि कुछ ऐसी बात नहीं हुई थी बड़ा उज्लाइया ना ठीक है फाइन इट शी इज़ ओपनिंग अप टू मी एंड यू कमिंग अप टू मी मैं नहीं सुनूँगा अभी से आदत डालनी है ना कि सुन रहा हूँ तुम्हारी बात तो मगर कोई बात कर रही हो तो ठीक है नहीं आपने गलत किया होगा इसलिए आपको आपसे चीज़ ले ली होगी तो फादर्स uh, यूजली जो है वो उनकी उनका एक सिनारी क्या रहता है मदर्स की एक्सपेक्टेशन कम रहती है बिकॉज वो टाइम के साथ उनके साथ एडजस्ट करती हैं तो उनको अंडरस्टैंडिंग होती है कि बच्चे की नुओ क्या है फादर्स क्योंकि उन उनका एक अगर वो बहुत ज़्यादा काम में इन्वॉल्व रहे बहुत इन्वॉल्व तो उनकी एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों के ऊपर डालने की हो जाती है ना दिस इज़ नॉट समथिंग जो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ बल्कि ये आ, जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बेसिकली बात इसको बाकायदा इसको टर्म इसको इसको दी जाती है इसको साइकोलॉजिकल स्टडीज के अंदर से कहते हैं दी अटैचमेंट थियरी और ये ही ये क्या समझाती ही यही है कि किस तरीके से बच्चों को एटलीस्ट हर बच्चे को एक ऐसा शख्स अपने बचपन में चाहिए होता है टू लीन ऑन और टू ट्रस्ट कम्प्लीटली जिसकी इमोशनल अटैचमेंट उसके साथ हो और वो उसको एक्सप्लेन ऐसे करते हैं कि आ, बच्चे को अगर कोई ऐसा बंदा नहीं मिला ना बचपन से जो आपने तीन साल की उम्र बताई क्या उसको बचपन से स्टेज वन से ही अगर उसको ऐसा बंदा नहीं मिला जिसके हर काम में भरोसा करेगा उसके ऊपर उसको हर चीज़ में सपोर्ट करेगा तो वो बच्चा कभी भी प्रॉपरली डेवलप नहीं कर सकता ना साइकोलॉजिकली ना वो दुनिया के अंदर कहीं पर और ना वो स्परिचुअली ना वो दीन के मामले में ग्रो करता है रीज़न क्या होती है साइकोलॉजिस्ट कहते हैं साइकोलॉजी का रीज़न ये होती है जो प्राइमरी रीज़न है कि बच्चों को जिनकी कोई ऐसा एक बंदा बैक एंड पे मौजूद हो हुँ. उनकी हेल्प के लिए उनको ऐसा फील होता है कि आई ऑलवेज़ हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन मेरे पास कोई सपोर्ट है एंड में कुछ भी मैं गलत हुँ. कर दूंगा ना मैं दुनिया को एक्सप्लोर करते हुए दीन को एक्सप्लोर करते हुए आई हैव समथिंग टू फॉल बैक ऑन मेरे पास एक सेफ्टी नेट है जिन बच्चों के पास ये सेफ्टी नेट नैट नहीं होता ना वो दीन में ना वो अपनी स्टडीज़ में और कहीं भी, भी किसी भी लाइफ में अपनी ना वो इमोशनली वो कभी भी स्टेबल हो ही नहीं सकते इसके बाद बाकायदा स्टडीज़ हैं कि जो बच्चे जिनको कोई ऐसा पेरेंट्स ट्रबल्ड फैमिलीज़ थी या जिनको कोई अटैचमेंट नहीं बनी बचपन से वो बच्चे फाइनेंशली भी कम सक्सेसफुल थे लाइफ के अंदर उनकी तलाक़ की रेशोस भी जो हैं वो ज़्यादा थी और आ, इसके अलावा दीन के मामले में भी उन बच्चों के ज़्यादा चांसेस हैं कि वो या वो सोशो पाथ बन गए या वो साइको पाथ बन गए ये वो बच्चे ज़्यादा थे तो ये बेसिकली जो आपने बात की कि घर से वो सारी की सारी वो अटैचमेंट और पेरेंट्स का टाइम देना वो चीज़ शुरू होती है वेर नॉट प्रोवाइडिंग दैट और उसकी वजह से रिजल्ट हमारे सामने फिर हम रोला डालते हैं कि जी उसके अलावा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लैक ऑफ सेल्फ इस्टीम आ, वो जो एक रिलायंस होती है वो फिर आप बाहर ढूंढते हो और इसी चीज़ से आप आ, आ, कुछ लोग होते हैं जो ड्रग्स में लग जाते हैं कुछ होते हैं जो हराम रिलेशनशिप्स में चले exactly. जाते हैं क्योंकि वो जो आ, वैलिडेशन है आपको वहाँ से मिल रही होती है वो सेंस ऑफ सेफ्टी सेंस ऑफ सिक्योरिटी सेंस ऑफ नॉट बीइंग जज्ड वो वहाँ से मिल रहा होता है तो वालदे का कसूर जब आपने एक सवाल मुझसे पूछा कि कसूर किसका है नाट कि वालदे जो है वो इंटेंशनली ये चीज़ कर रहे हैं लेकिन ये उनकी तरफ से एक बहुत बड़ी लैकिंग है उन्होंने ये नहीं समझा कि औलाद के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए कोई बताने वाला नहीं नजर जर लाइक आई सेड कि ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट हो जाती है कि पेरेंट्स ने अपना काम नहीं किया सही so, hey. लेकिन फ्रॉम अ पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत टाइम पे उनको बताने वाला नहीं है उनको जो एक ट्रेंड चला हुआ है स्कूल डाल दो अच्छे स्कूल में डाल दो ये कर दो वो इन्वेस्टमेंट क्योंकि उनको उनको उसके उसके ड्रास्टिक जो कॉन्सिक्वेंस है वो पता ही नहीं है अभी वो आ रहे हैं आप देखिए हर बंदा मिनटोर ढूंढ रहा है आ, एक पीयर ग्रुप ढूंढ रहा है अटैचमेंट के लिए व्हाई बिकॉज जो अटैचमेंट वॉइड उनको घर से मिली बिकॉज मैं आपको बताता हूँ ना ये इश्यूज क्यों हो रहे हैं बेसिकली ज्यादा क्यों आ रहे हैं पहले आपकी जो जनरेशन थी आपके दादा की जो जनरेशन थी वो बेसिकली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की का टाइम पीरियड था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो थे वो हैंड टू माउथ और बेसिक नेसेसिटीज़ और बेसिक नीड्स के ऊपर ज़रूरियात के ऊपर उन्होंने जो है ना मेहनत करना शुरू की अब ये एक स्टेज पूरी हो गई तो आगे आने वाली जो, आने वाली जो आपके माँ बाप की स्टेज थी वो आपने उन्होंने बोला यार अपने बच्चों को जो है ना बेहतर ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ देनी है जो हमें ना मिल सकी हों आ, वो उन्होंने बोला कि ये करना है, वो करना है अब वो जो जनरेशन आज आई हुई वो बेहतरीन का बेहतरीन चाहती है अब अब इस जेनरेशन का जो ड्रास्टिक एक कॉन्सिक्वेंस है पिछली जनरेशन की वजह से जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है उस मेहनत में जब उन्होंने अपना टाइम गुजारा कि अपनी औलाद को अब मैं जब फादर सोचूँ तो यार आई वुड वॉन्ट टू बी एबल टू गिव एवरी थिंग टू माई चाइल्ड बट आई नो फॉर मुझे ये बात पता है कि मैं हर चीज़ देने की जरूरत नहीं है मुझे mm -hmm. हर चीज देने से उसको वैल्यू नहीं है mm -hmm. लेकिन मेरा दिल करता है कि मेरी औलाद को कभी किसी चीज की, की कमी ना होवरी पेरेंट फील्स दिस वे तो उसके लिए आप ऑटोमेटिकली जो है ना आउट ऑफ द वे जाते हो mm -hmm. तो आई थिंक इट्स वेरी इजी टू से कि पेरेंट्स रोल नहीं थे उनको कोई बताने वाला नहीं था उनके लिए सर्कमस्ट अलग थे एंड दिस आई एम श्योर बहुत से ऐसे पेरेंट्स होंगे जो अपनी तरबियत में और उसमें कोशिश नहीं करते होंगे आई एम नॉट ऐसा नहीं है बट जनरलाइज स्टेटमेंट मैं बोलता हूँ कि बहुत उनके लिए हर्टफुल हो हाँ। uh, मेरा सवाल फिर ये है कि जो uh, उनसे पिछली वाली जनरेशन थी उनकी पेरेंटिंग तो बहुत बेहतरीन हद तक जो थी वो कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली अगर आप हमारे पेरेंट्स सिस्टम ऐसा था कि ज्वाइंट फैमिली थी कोई ना कोई देखने वाला था मामा चाचू कोई ना कोई देखने वाले थे वो नाइन टू फाइव कॉपोरेट जॉब नहीं थी फना वो नहीं था आ रहे थे खेल रहे थे इतनी परेशानियां डिमांड्स नहीं थी हमारी इतनी वॉन्ट नहीं थी कि मोबाइल भी चाहिए नेटफ्लिक्स भी होना चाहिए टीवी भी होगा वो एक खेल से वो कजन भी खेल रहा है तो वो भी खेल रहा है सब हमारे टाइम पे बचपन में जो अटारी आया था तो मतलब कजन वगैरह सब मिल के खेलते थे सैगा वगैरह सब मिल खेलते थे मतलब वो वाले सिलसिला था मैं इसलिए बता रहा फैक्टर्स बहुत बदले हैं फैक्टर्स बहुत दिस मटीरियलिज्म जो हमारी जिंदगी में आया है ना और सबसे बड़ा जो मामला है जो हमारे प्राइवेट स्कूल सेक्शन ने किया मैं खुद पढ़ाता हूँ लेकिन प्राइवेट स्कूल सिस्टम ने जो ये रिक्वायरमेंट कर दिया ना कि नहीं आई एम सॉरी अगर ये सिस्टम में ये बात को अगर कंडीशन कर दिया जाए कि आपने छः महीने के बाद बच्चे को स्कूल में दाखिला देना है तो सब पेरेंट्स वहाँ दाखिला देना शुरू कर देंगे exactly. आ, पैदा mm -hmm. होते ही यहाँ पे एडमिशन हो रहा है नॉट द बिकॉज जो इनिशियल ईयर्स माँ बाप के साथ अटैच होने में थे बिल्कुल माँ बास फादर इज़ गोइंग टू बी एबल टू बी एबल टू अर्न एंड प्रोवाइड के अल्लाह सुन दी है मदर uh, भी अगर mm -hmm. फुलफिल नहीं होता और शरीय के दायरे में हम हमेशा कहते हैं कि इट्स ओके टू बी एबल लेकिन ये कि उसका टाइम ज़्यादातर प्रोवाइड करने में लगेगा बट दैट डिज़ नॉट मीन कि वो बड़ी है इस चीज़ से कि वो अपने बाप मां बच्चों के साथ वो टाइम ना दे uh, वो अगर जरूरी नहीं उसको बहुत ज़्यादा टाइम देना है उसने इन्वॉल्व होना है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जब नहीं होगी ना तो फिर आप बच्चा जो है ना वो अटैचमेंट वॉइड अपनी जिंदगी में पाएगा और फिर वो उन पीयर ग्रुप्स में ग्रुप्स में जब वो उसको तलाश करेगा ग्रूपस 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 तलाश करेगा तो फिर वो आपकी बात नहीं सुनेगा ये, सुने। ये ये निजाम ही है ना इसने बेसिकली शैतान ने बड़े ही तरीके से प्लीज की साजिश समझ लिया आप कि जिसमें महदीस में मिलता है ना कि शैतान सबसे ज्यादा खुश उस बंदे से होता है उस अपने चेले से होता है जो मियाँ बीवी के बीच में दरार या उनके बीच में लड़ाई झगड़ा करवा के आता है तो ये आहस्ता आहिस्ता बड़े तरीके से जो बुनियादी यूनिट था फैमिली का उसके अंदर प्रॉब्लम्स पैदा किए जब वो प्रॉब्लम्स पैदा किए फिर साथ साथ कपल दैट विद कैपिटलिस्ट सिस्टम वेयर बोथ द पेरेंट्स हैव टू वर्क उसके बगैर गुजारा नहीं चलेगा एक्चुअली नीड्स तो पूरी हो रही होती है वॉन्ट्स पूरी नहीं हो रही होती ना तो अब दोनों ने काम करना है बहुत मतलब कुछ ऐसे केसेज होते हैं जहाँ मजबूरी होती है मतलब उनकी बात मैं नहीं कर रहा इस वक्त यहाँ पे अब हुआ ये कि पेरेंट्स जब दोनों काम करने वाले हो गए और दोनों फैमिली यूनिट जो वो टूट के रह गया जॉइंट फैमिली सिस्टम ऐसा ऐसा खत्म होता गया इवन अब हमारे दीनदार गहनों में देखें एक बड़ा जट से एक बात कर दी जाती है कि जी आ, लड़की का हक है कि ना एक सेपरेट अकोमोडेशन दी जाए उसको हालाँकि वो सेपरेट अकोमोडेशन ही मतलब उसको वो चार दीवारी अगर हो उसको पर्दे का होना चाहिए पूरा घर होना चाहिए पूरा आप दो कनाल का पेरेंट्स का घर है उधर नहीं रहना मुझे आ, एक और घर लेके दो किराए के ऊपर तो कनाल का इट्स नॉट लाइक दैट इसकी वजह से फैमिली सिस्टम टूटते गए उसके बाद जो पहले हमारी अम्मियाँ होती थी वो आपने देखा होगा मतलब तो तो इट्स नॉट ये बिल्कुल आइडियल माहौल है लेकिन होता ही यह था कि खवतानी जो है वो बर्दाश्त करती होती थी ठीक है आइडियल नहीं है दिस नॉट द वे टू गो अबाउट इट इस्लाम ये नहीं सिखाता लेकिन वो पहले बर्दाश्त कर थी उसके होता क्या था अगर कहीं ना कहीं पे बाप की कोतियाँ भी है ना तो माँ कहती है चलो मेरा खावन जैसा रिलेशनशिप है है मैं बच्चों के ऊपर फोकस करती हूँ वो बच्चों के ऊपर फोकस करके बच्चे अच्छे निकाल कर उनसे रिलेशनशिप अच्छा करके ये जी हो देती है अब क्या हुआ है अब ये हुआ है कि जी चाहे बाप है चाहे माँ है दोनों कमाते हैं दोनों कहते हैं जी मी टाइम और जी हमारी अपनी ज़िंदगी है अब आप देखो अब आप देखो मतलब वो अपने औलाद को जो है वो टाइम ही नहीं देते और उसके बाद वो अपनी लाइफ के अंदर इतने मशगूल रहते हैं वो समझते हैं कि जी औलाद को हमने पैदा करके कुछ आपने बात की अच्छे स्कूलों में डाल दिया अच्छा खिला पिलाती है तो दैट्स अबाउट इट तो इट्स इट्स नॉट इट आपने न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम की तरफ गए आपने फैमिली सिस्टम को तोड़ा और आहिस्ता आहिस्ता करते करते जनरेशन आपकी दबा होगी इसीलिए आपकी करंट जनरेशन है आपको ख्याल आया तो आपने हाँ। बोला कि वाई सी के स्पीकर से कॉन्टैक्ट करो उनसे कि बोलोगे <laughs> एक जादू की दे, दे, दे मेरे बच्चों को और जेना सबसे ठीक कर एकदम से हमने एक तरबिया सेशन के लिए रिट्रीट पर लेके गए थे तो पूरे एक हफ्ता गुजारा मेरे से बच्चा क्लोज़ भी हो गया और काफ़ी प्रॉब्लमेटिक आप पता नहीं कहाँ है वो मैं इन टच नहीं बिकॉज मैंने वो रिट्रीट पर जाना छोड़ दिया था तो बहुत बरतनी वजी भाई के साथ मैंने वो करना है ये करना है टाइम गुजारना है और जहाँ पे हमने उसको लैंड किया कराची वहीं से उसने दूसरी फ्लाइट पकड़ के लॉस वेगस चला गया माँ के साथ तो महा वहीं से ले आ रहे थे कि बेटा अगर यहाँ जाओगे तो लॉस वेगस लेके जाएंगे तो लॉस वेगस ले गए एंड uh, बात ये थी कि जैना कि वो जो एक हफ्ते जो हमारे साथ था ना वहाँ से आपने बोला कि बेटा यहाँ से ही सब वगैरह तो आई थिंक इन ऑर्डर टू मेक देम डू सम यू कॉन्ट गिव दम इंसेंटिव टू यू नो कीप फीडिंग दैट Uh, वो वाला वाला फैक्टर बिकॉज आपको ये लगता है कि आप अपना वो पेरेंटल कंट्रोल uh, खो रहे हो और uh, इतने सालों का जो uh, मसला है वो एकदम से नहीं होगा और बच्चे जो चाहते हैं ना देखिए अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को uh, बच्चों के साथ अच्छी uh, अच्छा ताल्लुक हो तो अपना उनको डिसाइपल बनाएं तो डिसाइपल बनाने के लिए आपने कुछ बनना होगा ना बिल्कुल आपने कुछ आपने कुछ कैलिबर मेंटेन करना होगा आप सबसे पहले हमारी सोसाइटी में देखिए कि एक स्टैंडर्ड मदर और फादर की एजुकेशन लेवल क्या होनी चाहिए एक बेसिक उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होनी चाहिए हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस तो पढ़ाई नहीं जाती क्यों पढ़ाई जाएगी क्योंकि आपके स्कूल में तो मैथ्स इंग्लिश साइंस ये Subjects हैं जो हराकी में ऊपर हैं क्योंकि ये जॉब्स लेने के लिए काम आते हैं और फिर हम बोलते हैं कि स्कूल्स बेहतर इंसान नहीं बना रहे बेहतर इंसान कैसे बनाएंगे क्योंकि उनको बेहतर इंसान नहीं बनाना उन्हें बेहतरीन फैक्ट्री के वर्कर बनाना है अभी भी डिजाइन चल रहा है अब आप जितना कॉपरेट की बात कर करें वही चल रहा है तो उससे ही वो बन के निकल रहे हैं तो उसके दौरान उनके कितने इमोशनल डैमेजेस हो रहे हैं इमोशनल साइकोलॉजिकल क्या क्या किस उनको जब फेल हो रहे हैं तो फेलियर उनको एक बहुत बड़ा एक करना आ, स्टिग्मा बनाया हुआ है उससे वो एक साइकोलॉजिकल एक टॉर्चर से गुजरते हैं इतने सारे फैक्टर्स हैं तो वो जब ताल्लुक में आएगा रिश्तों में आएगा रिलेशनशिप में आएगा तो कैसा बाप कैसी माँ कैसी बहू कैसी कैसी बेटी कैसा दामाद किस तरह का इंसान बनेगा और आप बोलो और आज असल में मसला इतना मुश्किल हो गया ये बात करना नहीं आप लोगों को यही समझ में आती है भाई आपके मसाइल क्यों निकल रहे सोसाइटी में एक्जैक्टली और अभी क्या आने वाला है अल्लाह सुबहान तला हमारी हिफाजत करे hmm. तो ये चीजों को सीरियस लेने की जरूरत है कि यू नो इज़ इट्स ईजी टू ब्लेम अ चाइल्ड बट वी डोंट अंडरस्टैंड दैट वी डिड नॉट गिव द चाइल्ड द वेरी फर्स्ट राइट जो उसको मिलने की जरूरत थी ताल्लुक रिलेशन जो बाहर तलाश कर रहा है इट्स ह्यूमन नीड जब नहीं होगा तो उसका ब्रेन डेवलप नहीं होगा ब्रेन डेवलप का वो सेक्शन डेवलप नहीं होगा तो फिर वो आप उसको कोकैन में ढूंढेगा वो हीरोइन में ढूंढेगा और अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये कोकैन उस चीज़ को फीड करती है जो, जो, जो उसकी बचपने से एबसेंस है तो इसलिए वो डिक्ट बन जाता है तो आप देखिए पेरेंटिंग अल्लाह सु माता ने कितना बड़ा एक आपको मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है हम बड़ी ईजीली एक बच्चे को एक शील्ड बना लेते हैं कि नहीं देखिए ये तो हाथ से निकल गया कुछ माँ बाप आए हैं ये देखिए मैंने तो सारी उम्मीद खो दी है ये तो मेरे बस अपनी बिकॉज इट्स बिकॉज यू आर मोर अबाउट योर सेल्फ इट्स अबाउट दैट थिंग मेरे पे ब्लेम ना है आसान का मैंने ना बच्चे को टैबलेट पकड़ा दिया ठीक है ना उसके बाद छोड़ दिया किधर है जी दो घंटे गायब है बच्चा ढाई घंटे गायब है कोई पता नहीं है क्यों अगर टैबलेट नहीं होगा तो चाहे माँ है चाहे बाप है घर में उनको टाइम देना पड़ेगा बच्चे के साथ एंगेज करना पड़ेगा उसको उसकी बात सुननी पड़ेगी उसके चार उसके एक ही सवाल को पचास मरतबा सुनना पड़ेगा उसको बाहर लेके जाना पड़ेगा उसकी उंगली पकड़ के उसके साथ खेलना पड़ेगा तो वी डोंट हैव टाइम फॉर दैट पचास बहुत ज्यादा पूछते हैं और गाड़ी में बैठा कहाँ जा रहे हैं बता दिया कहाँ जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं अब आई ट्राई अलहमदिल्ला की जितना मैं जवाब पूछ दूटली फिर मैं चुप हो जाता हूँ एफर्ट करते नहीं हैं तो अब और सबसे खौफनाक बात यह है हम कि हम इमेजिन करेंगे कि ये जो जनरेशन जो अभी इस वक्त परवान चढ़ रही है जो इस तरीके से तरबियत जिनकी हो रही है बेकार तरीन तरबियत जो है ना हमारी हिस्ट्री के अंदर जो आज तक तो हुई है वो हो रही है अभी तक हमें इसके रिज़ल्ट नहीं पता कि वो बच्चे जब मिडिलजेस में पहुँचेंगे तो, तो उनकी क्या सिचुएशन होगी जब वो अपनी फैमिलीज़ को रन कर रहे होंगे तो उनकी क्या सिचुएशन होगी ये तो छोटी छोटी बातों के ऊपर बच्चे आजकल ओफेंड हो रहे हैं हर छोटी छोटी बात के ऊपर बच्चा आई एम ओफेंडेडेड चलो जी ये टाइटल में चाहिए नाइट एक्जैक्टली बच्चा आगे जाके प्रॉब्लम्स को कैसे झेलेंगे कैसे जिंदगी में आगे चलेंगे और वन ऑन वन जो रिलेशन है वो इतना बारे वीक बारे है कि उस उस चीज़ को हम फुलफ़िल करने के लिए वो जो एक वर्ड है मटेरियल का सहारा लेते हैं अच्छा आपने ये करना है इसके अगेंस्ट में आपको ये मोबाइल ले दूंगी या ले दूँगा आपने एग्ज़ाम में ये मार्क्स लाने उसके अगेंस्ट आपको प्ले स्टेशन मिल जाएगा तो उसको लगता है कि हर चीज़ जो है वो मटेरियल है hmm. वो वो एक जो रिलेशनशिप है ना कि माँ बाप का एक रिलेशनशिप है हाँ आई हैव टू मेक देम प्राउड वो नहीं होता उसको अचीव करना है मटीरियल उसको ये नहीं परवाह कि माँ बाप की खुशी या माँ इवन माँ बाप भी जो है वो इस चीज़ में इन्वेस्ट ही नहीं करते आ, मैं अपने नेफ्यूज़ को देखता हूँ ट्वेंटी फोर सेवन वो मोबाइल पर बच्चों के कार्टून्स लगे हुए हैं म्यूजिक भी उसमें वो मुझे उनको देखते हुए ना देखते हो तो आ, वो जो एक बात है ना कि पता है अगर ये चीज़ हम ना देना तो हमें टाइम देना पड़ेगा और इसका सबसे बड़ा अजीब नतीजा होता है कि बच्चे बोड़ों के बोलते हैं हमें शादी नहीं करनी ट्रू <laughs> 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 मैंने अभी बच्ची भाई लेनी है ना इंतजार करते हैं कि <laughs> कब <laughs> जरीन उस मोड में आएगा और मैं कब जरीन को वापस जो है ना मैंने तो बोला ही नहीं कुछ सुपलेक्स यार, लेकिन आई थिंक इतना डिफिकल्ट भी नहीं है औलाद को वो करना आई थिंक हर टाइम के अपने चैलेंजेस हैं बट इट्स रिवॉर्डिंग एट द एंड ऑफ द डे अगर uh, आप इन्वेस्ट नहीं करते जैसे मैंने बात की कि, कि बच्चा पचास दफा सवाल पूछ रहा है वो शायद सवाल नहीं पूछ रहा ही इज़ नॉट लुकिंग फॉर आंसर हीज़ नॉट लुक और शी स्टैंड कॉन्वर्सेशन बिल्कुल ही वो आपके बीच में कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनना चाहता है एक्जेक्टली और हम कभी भूल जाते हैं इस बात को कि शायद बिकॉज uh, हम वे नॉट थिंकिंग फ्रॉम द चाइल्ड परस्पेक्टिव कि चाइल्ड ने जो देखा है वो हमारी हम ही देखा है उसने और कुछ देखा ही नहीं है और वो बच्चा जो है वो 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 ताल्लुक़ चाह रहा है अगर अगर आप ताल्लुक नहीं बिल्ड करेंगे तो फिर किससे बिल्ड करेगा वो ताल्लुक उसने बिल्ड करना है hmm. अब वो किससे बिल्ड करता है उसको कोई उससे नुकसान देता है क्या देता है तो आपने अगर ताल्लुक बिल्ड नहीं किया आपने वो इन्वेस्टमेंट नहीं किया वो उसके साथ मेंटरशिप नहीं की तो बाहर ढूंढेगा वो डेफिनेटली डेफिनेटली ढूंढेगा पक्की पक्की बात है मैं उसके बची भी इतना ना वो करना चाहता हूँ अगर हम पेरेंट्स की टाइप्स को वेरी ब्रीफली वो टाइप ऑब्जर्व्ड अभी तक छोटी सी जिंदगी के अंदर जितनी तो मैं तीन टाइप्स के मेजरली पेरेंट्स देखें आजकल जो मैंने देखें जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने लेके आते हैं ना पेरेंट्स वो तीन टाइप्स के मेजरली जो है ना वो प्रॉब्लम्स हैं वो पहले टाइप के पेरेंट्स हुए हैं जिनको हम कहेंगे एबसेंट पेरेंट्स ठीक है मतलब उनको कुछ पता नहीं है कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं बस उनकी फाइनेंशली पीछे से सारी प्रोविज़न आपने दे दी अब आगे वो जो मर्जी कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है मतलब वो कि किधर कि जा रहे हैं कहाँ बैठते हैं किधर उठते हैं बैठते हैं कहाँ पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं क्या रिलेशनशिप है दे नॉट बॉडर ठीक है ये होते हैं एबसेंट पेरेंट्स ये ये नेसेसरी ये बात है ये चाहते नहीं है चाहते हैं कि अच्छा हो लेकिन वही कैपिटलिस्ट निज़ाम की वजह से मजबूरियों की वजह से अब उसको तरबियत के टाइम ही नहीं दे सकते बच्चे को तो सबसे पहले तो ये एबसेंट पेरेंट्स हो गए दूसरी टाइप है जो ये भी बड़ी कॉमन टाइप है ये खासतौर पर मैंने देखा मिडिल क्लास के अंदर ये बहुत कॉमन है वो है हलाकू ख़ान स्टाइल पेरेंट्स अब ये वो पेरेंट्स हैं जिनका मकसद क्या है इनका मकसद है कि जी बच्चे ने किसी भी तरीके से अच्छी ए मशीन बनना है ठीक है अब अगर इसको अच्छी ए मशीन पैसे कमाने के लिए एक अच्छा बंदा बनाने के लिए एक सोर्स ऑफ मनी बनाने के लिए इसको मारना पड़ता है इसको पीटना पड़ता है या इसको सुबह स्कूल भेजना पड़ता है शाम को ट्यूशन भेजना पड़ता है ठीक है करना पड़ता है सब कुछ मैं कर, हम करेंगे हर चीज़ के पैसे भी देंगे हर चीज़ पर कुर्बान करेंगे लेकिन इसने सबसे अच्छी पैसे कमाने वाली मशीन बनना है इन्हीं की औलाद जब बड़ी होती है और वो जब सिर्फ पैसे पैसे के बारे में सोचती है फिर कहते हैं जी कि औलाद जो है ना वो हमारे पे हमें लिफ्ट नहीं कराती बाहर चली गई बस पैसे भेज देती तो दिस इज हाउ यू ट्रेंड दें ये दूसरी टाइप है फिर एक तीसरी टाइप आती है ये जरा कम है अभी लेकिन ये लिबरल लेकिन लिबरल पेरेंट्स हैं हमारे ये वो पेरेंट्स हैं जो कि टाइम भी देंगे ठीक है और बच्चे के ऊपर बेजा जोर भी नहीं निकाया कि मार्क्स नहीं लिए और रैट रेस के अंदर नहीं पड़े उनको वो भी कंसर्न नहीं लेकिन ये कहते हैं बेटा तुमने जो चाहे करो हम तुम्हारे साथ हैं मतलब आपने उनको किसी भी किस्म की मॉरल बाउंड्रीज सेट ही नहीं की घर के अंदर आपने कहा कि तुम जो चाहे करो जिसके साथ चाहे करो हम तुम्हारे साथ हैं तुम घर के अंदर गर्लफ्रेंड को लेके आते हो तो लेकर आओ तुम बॉयफ्रेंड से मिलवाते हो तो मिलवाओ वी हैव टू बी ओपन माइंडेड सुबह को बेटा कमरे में गया था बाहर साड़ी पहन के निकला शाम में

बेटा जो है वो मेहर जो है वो मेहरू बन जाती है ठीक है और <laughs> और, नो और वो 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 अपनी जो है। अच्छा वो समझ रहे हो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया उन्होंने ये दिखा कि इस कर लो मतलब मसले मसले का हाल ही निकाल दिया एक्सेप्टेबल है ठीक है बच्चा बोलेगा जन मामा आई डोंट वॉन्ट टू बी गाय मोर ठीक है तो वो आप उनको बोलते हैं ठीक है तो आप जी आप आए हंसी वक़ी हो जाए <laughs> हाँ वो बोलते हैं ये करते हैं ऑपरेशन करा लें ऐसी बी हैप्पी कोई लिमिट नहीं लगाई कि जना कि कुछ भी बनना है बन जाओ स्टैंडर्ड्स जाओर्ड एक, एक ने बोला कि मुझे घोड़ा बनना है तो घोड़ा बना दिया लिटरली मैं मजाक से हट गया वीडियो है उससे बोला उसको पहले पहले वो शायद वो लड़की लड़के से लड़की बना फिर बाद में घोड़ा बना पता नहीं पहले लड़की था या लड़का बाद में था I lost track of the whole thing. तो बना घोड़े बड़ा मुश्किल काम है आज के दौर में जो एलिमेंट आपने रेस किया बिल्कुल ही इतनी छूट दे देते हैं कि उनको बिल्कुल गलत चीज पे भी सपोर्ट रिलेशनशिप बिल्डिंग के नाम दोस्त बन रहे हैं दोस्त बनते बनते आप ये भूल जाओगे आप माँ बाप हो हाँ, वो absolutely. आपको नाम से बुानना शुरू कर दे सब सब कुछ कुछ आपकी बात भी ना सुने एब्सोल्युटली तो, तो ये चीज़ जो है ये ये गुड पेरेंटिंग नहीं है पेरेंटिंग में आप रोकते हो तरीके से किस चीज़ से रोकना है सही से रोकना है वो रिलेशनशिप बिल्ड करो जहाँ पे आप बाउंड्रीज भी सिखाओ मोरल बाउंड्रीज क्या है दीन क्या है नॉट uh, दैट कि दुनिया को आप जो है बिल्कुल वो करो दुनिया और दीन साथ साथ आपने uh, करनी है लेकिन ये जो ये लिबरल क्योंकि हमारे यहाँ ये परसेप्शन है कि जो बिल्कुल सपोर्टिव पेरेंट्स हैं ना जो सब कुछ करने देते हैं और कोई रोक टोक नहीं है और मैं अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता सकता हूँ अच्छी बात नहीं है सब कुछ बता सकते हो शर्म करो सीरियसली और इवन पेरेंट्स को भी जो है इस लेवल तक जो है वो डिसेंसिटाइज ख़ुद को नहीं कर देना चाहिए कि बेटी आके कुछ भी उनको बता रही है दे आर ओके विद इट चलो अच्छा है हमारे पास आ रही है अच्छी बात नहीं है समझाएं उन्हें डेफिनेशन जो माँ बाप बनने के ना इट्स बेसिकली ट्विस्टेड मीडिया में देखा कि वो आ, बाप जो है वो टोटली ओके है बेटी के अफेयर चल रहे हैं तो आई अंडरस्टैंड लड़के को ज़्यादा मुझसे बात करा दो तो ये उन्होंने किया माँ जो है वो उन्होंने उनके पास जो है कि उनको पता नहीं है एक ब्रोकन होम में से हैं तो माँ जो है वो आ रही हैं और बेटे को बोले बेटा मैं आग, आज इसके साथ डेट पर जा रही हूँ तो वो वो बोल बोले कि दिस इज़ वॉट गुड पेरेंटिंग इज तो उसने बोला बच्चों को भी अलाउ करने दो वो कहते हैं ना कि दूसरे को अलाउ करने दो खुद ताकि ख़ुद भी कर सको इट्स अबाउट आपकी तरबियत बच्चे के साथ इस तरह की है कि आप बच्चे को किस तरह से नरिश करते हो कि वो इंटेलेक्चुअली, वो एज ह्यूमन बींग वो स्पिरिचुअली इन टर्म्स क्योंकि देखिए ह्यूमन बींग इज़ नॉट गोइंग टू बी अूमन बींग अगर वो आ, अपने इंटेलेक्चुअली स्परिचुअली और फिजिकल वेलबींग well के अंदर सही तरीके से अपने आप को कंट्रोल करना ना सीखे exactly. तो उसकी तरबियत हो exactly. और ये तब तक जब आप, आप क्योंकि अल्लाह सुबहतान ने देखिए हम बहुत ईजिली कोट करते हैं कि कुरान में जिक्र किया गया रब, कमा, रब यानी सगीरा लेकिन वो शर्फ तब आपको हासिल है जब आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा की है कि आपने उसकी तरबियत के अंदर एफर्ट लगाया आप ये डिमांड नहीं करेंगे बाई डिफॉल्ट जिस बिकॉज मैंने पैदा किया है तो आप वो करोगे ठीक है आपने पैदा किया बट एट द सेम टाइम आपका आपकी अफजलियत आपका आपका रुतबा इसलिए है बिकॉज आपने वो इन्वेस्टमेंट की आपने वो एक ऐसा शख्स छोड़ा माशरे में जो उसके लिए खैर का जरिया बना जहमत का ज़रिया नहीं बना Exactly, exactly. मतलब अपनी जिंदगी को भी पर्पज़ो जिए, अपने पेरेंट्स के लिए भी सदका जरिया बने वो एक, एक अच्छा शहरी भी बने अच्छा सिटीजन भी बने तो मतलब एक कंप्लीट पैकेज होना चाहिए हमने ये बनाने की कोशिश करनी है और वजह इसके साथ ना एक और चीज़ जो हमें देखनी चाहिए जो शायद बहुत सारे लोग हमारे जो सुनने वाले हैं उनके साथ उनके लिए शायद पेरेंट्स के लिए बड़ा रिलेटिवल हो जो पेरेंट्स सुनने वाले हैं या जिन्होंने बनना भी है जो दीनदार घराने ना उनके अंदर भी आप देखेंगे कि ये मसाइल पेरेंटिंग वाले आ रहे हैं उसके ऊपर ना मैं एक रिसर्च पढ़ा था एक निजी इदारे की आपने भी शायद पढ़ी होगी एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट है बेसिकली वो भी इस्लामिक इस्लामिक इंस्ट्यूट दावास का इंस्टीट्यूट है उन्होंने एक सर्वे किया बेसिकली कि जो हमारे दीनदार घराने उनके अंदर बच्चे क्यों दीन से भागने शुरू करते हैं मतलब आपके पेरेंट्स जो हैं वो दीन की बात करने वाले हैं दीन को एटलीस्ट दीन को पसंद करने वाले हैं ये तो ज़्यादा घराने ऐसे ही हैं लेकिन फिर भी उनके बच्चे जो हैं वो दीन से क्यों भागते हैं दीन से क्यों बेजार हैं तो उन्होंने कहा कि मैक्सिमम मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो बच्चे दीन से बेजार होते हैं दीनदार घरानों के बच्चे दीन पसंद करने वाले घरानों के बच्चे उसकी रीज़न ये होती है कि वालदे की हिपोक्रेसी इतनी होती है दीन के मामले में कि वो बच्चों को तो दी दीन 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 करते रहते हैं ये तुम ऐसे नहीं करना ऐसे नहीं करना ऐसे नहीं करना मोरालिटी लेकिन खुद वालद साहब जो है वो खाने के बाद जाके बाहर सूटा भी लगाएंगे ठीक है और उसके बाद आपको बोलेंगे झूठ नहीं बोलना ठीक है और बाहर कोई आएगा तो छोटे से बच्चे को बोलेंगे वो बाबा घर पर नहीं है जो जो बोल दो बाबा घर पर नहीं है झूठ बोल देंगे और उसके बाद आपकी अगर वालदा की बात करें तो वालदा खुद आपको पूरा दिन दीन के दर्ज देती रहेंगी किसी को मारना नहीं है किसी को ये नहीं करना नमाज़ पढ़नी ये करना वो करना लेकिन जब अपने दीन की बारी बात आती है तो यहाँ से फ़ोन घुमाया घुमायाबत चुगली लेग पुलिंग ठीक है और आ, ये साजिशें फैमिली प्रॉब्लम्स ये सब चीज़ें तो ये तमाम दर चीज़ें जो हैं वो जब बच्चा देखता है ना वो कन्फ्यूज हो जाता है ये मैं उस, सर, उस रिपोर्ट की बात कर रहा करूँ बच्चा देखो वो कन्फ्यूज हो है यार यहाँ से आप मुझे दीन की बात करते हो इधर से आप खुद दीन को, को आप किसी खाते में लेके नहीं आते तो ये क्या सीन है वो समझता है यार इसका मतलब ये ये दीनदार लोग जो है ना ये सारे चीज़ें दीन पसंद करने वाले लोग हैं ये ड्रामेबाज होते हैं सारे के सारे इसलिए दीन दीन सीन पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअल जो रियल लोग हैं वो ये हैं एक्टर्स है, है, हैं, हैं। ये टू हैं, हैं, uh, तो इसकी वजह से इस बहुत सारे दीनदार गानों के अंदर भी uh, ये बच्चों को जो ना ये वो ये मसाइल पैदा होते हैं uh, कि आप प्रोएक्टिव पेरेंटिंग करते हैं या रिएक्टिव पेरेंटिंग करते हैं आपका बस एक जज्बाती एक स्टिमुलस होता है कि जैना कि आपने दे देखा और रिएक्ट करना शुरू कर दिया रादर देन कि आप प्रोएक्टिव पेरेंट बने कि आपने कंट्रोलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कंट्रोलिंग इन्वायरमेंट इन द सेंस कि आपको पता हो कि दैट यू आर द एडल्ट यू आर द सेम वन यू आर द वन हु इज सेंसिबल बच्चे को आपने तरीके से उसको समझाना है और आप बच्चे के साथ बच्चे की तरह रिएक्ट करना शुरू कर देंगे तो बच्चा बोलेगा कि आई कैन कंट्रोल दाउ exactly. बिकॉज the, the मैं जिस तरह जिद करूंगी तो मान जाएंगे यू हैव टू बी कंसिस्टेंट यू हैव टू बी कंट्रोलिंग ऑफ योर ओन सेल्फ और आपने अगर पेशेंस लूज mm -hmm. किया अगर आपने आउट ऑफ कंट्रोल हो अगर आपका तो वो बच्चा बोलेगा आई कैन यू नो मूपलेट तो मैं एक बच्चे के बाप के पास जा सकता हूँ कि अम्मी इसने ये किया अब उधर गया तो उनके पास गया जहाँ से काम निकलना होगा वहाँ नहीं होगा तो दादा दादी के पास चले जाएंगे वहां से काम निकालेंगे तो यू हैव टू बी एबल टू क्रिएट अ कंट्रोल अंट्रोन इसमें मियाँ बीवी का साथ में एक साथ रोल प्ले, प्ले ने करना ने ने बहुत जरूरी है ये नहीं कि एक अच्छा बन रहा है नहीं देखिए बेटा मैं तो इजाज़ दे रहा था मी ने आपके मना कर दिया मतलब ये आप ये सिचुएशन करेंगे जारी बात है यू ट्रेंड टू बी टू बी यू गुड पेरेंट बट नॉट ट्राइंग टू बी अ गुड पेरेंट मोस्ट ऑफ द टाइम वी ट्राई टू लुक लाइक अ गुड पेरेंट बाहर जाते ना नहीं देखिए घर में तो इस तरह से नहीं करता कहाँ से तो सीख लिया इसने एक वर्ड तो ये शर्म भाई आप यू नो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरस्टैंड के बाहर वालों की प्रेशन छोड़ के आपने घर में वाकई में ओला आप बच्चे को कभी कभार उस, उस, उसकी, उसकी फीलिंग्स को हर्ट कर देते अपने वो रखने के लिए एक्जैक्टली exactly. उसको उसको डिग्रेड कर देते हैं अपने आप को करने के लिए जाओ जाके मैंने क्या सबको सॉरी बोलो नहीं अच्छी क्या अगर कोई ऐसी बात है द वे यू उसको बोला ठीक है आज मुझे ह्यूमिलेट करें मेरी इज्जत की परवाह नहीं इनको अपनी इज्जत की परवाह है तो कल को मैं खाली अपनी इज्जत की परवाह करूँगा ताकि इनको इनकी इज्जत की परवाह नहीं करूँगा जब वो कंट्रोल में आना शुरू होगा अठारह से ऊपर आएगा तो इसी तरह का बिहेवियर होता है एग्जैक्टली जी जरें तो इनशाला आई थिंक वी नीड टू बी एबल टू एट टाइम्स देखिए हम बच्चों को चाहते हैं कि बहुत सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर डाल देते हैं उनके ऊपर ज़िम्मेदारी क्या डाल देते हैं कि उन्हें बेहतरीन लीडर बनना है बेहतरीन ये बनना है बेहतरीन वो बनना है बट वी नेवर गिव दम रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालना शुरू करें <coughs> उनको अगर हम जो आदतें चाहते हैं उसके लिए उनको करना चाहिए हम उनके साथ मोहब्बत बिल्ड करें हम उनके साथ मेमोरीज क्रिएट करें यादें क्रिएट करें बिकॉज दिस इज़ वाट द किड्स आर गोइंग टू रिमेम्बर और अगर हम उनकी तरबियत नहीं करते अगर हम उनको तरबियत देखिए सबसे पहली बात ये कि जो कुरान में भी है वह खान अबू हो मासिहाँ जैसे अब्दुल्ल अबिन मसूद और रात को तहजद पढ़ते और किस्सा हमने अपनी वीडियोज़ में भी जिक्र किया है उसको वापस से रिपीट कर देता हूँ हो सकता है कोई फर्स्ट टाइम सुनता हूँ कि अब्दुल्ल्य अबिन मसूद जब तहजद पढ़ते रात को तो अपने बच्चे को अपने बराबर में रखते और रोते कि बेटा मैं तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूँ ये तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूँ बिकॉज अगर मैं नेक हूँ तो तुम मेरे जाने के बाद नेक हो गए और वो खजर आल सलाम की जो सौरा कहफ की एक उनकी स्टोरी है मूसा आलम और ख़जर आल साम की कि उन्होंने जो यतीमों के माल को प्रोटेक्ट किया मूसा आल साम ने पूछा था तो उन्होंने ये बात बोली थी देखिए क्योंकि इनके वाले वा, वालिद जो थे वो नेक थे साल थे तो औलाद की हिफाजत की गई उसकी उसकी आगे फ्यूचर की हिफाजत की गई Wow. माल की हिफाजत की गई ताकि उन, उनकी उनकी माल वो बस्ती वाले ना ले जाए hmm. आप अगर चाहते हैं कि अगर आपकी औलाद दुरुस्त निकले अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद की हिफाजत की जाए तो आपने अपनी दीन की हिफाजत करनी अपने रब के साथ ताल्लुक की हिफाजत करनी है क्योंकि exactly. अगर आपने रब के साथ ताल्लुक नहीं जोड़ा तो अब ये बात बहुत आसान है लेकिन यू नो मैंने वेन आई से दिस से दिस बट आई रियली नीड टू फील दिस कि अगर आपने रब के साथ ताल्लुक नहीं जोड़ा तो अल्लाह अल्ला ताला के अलावा हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी ज़ाया हो जाएगी वो दुनिया के साथ ही ज़ाया हो जाएगी वक्त के साथ ज़ाया हो जाएगी तो आपकी औलाद भी उसमें से एक है तो आप अपनी औलाद को क्योंकि अल्लाह ताला ने वो नियमत दी है तो उस औलाद की को उसकी ज़िम्मेदारी के साथ उसको माशरे के अंदर एक ऐसा रोल प्लेयर बनाइए जो आपके जाने के बाद भी आपकी डीज हो रहा है और आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड द रिस्पांसबिलिटी ऑफ अस बींग पेरेंट्स एंड आई थिंक uh, बहुत सारी बातें की जा सकती हैं कोई ऐसी आखिरी एडवाइस हो जो आप शो ख़त्म करने से पहले शो ख़त्म करने से पहले कहना चाहें तो प्लीज़ ज़रा गो है मैं आ, नौजवानों को कहना चाहूँगा जो सुन रहे हैं आज अगर हमने पेरेंटिंग के बारे में बात की है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्री हो जाएँ इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके अपने पेरेंट्स को बताना शुरू कर दें कि आपने पेरेंटिंग गलत की थी दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू और आपका कसूर है आपका कसूर है अगर आपको ये बात समझ आ रही है ना कि पेरेंट्स का कसगुर है इसका मतलब है अब आप आकिल हो चुके हैं आप समझदार हैं अब आप आकिल वाले हो चुके हैं अब आपको जो है ना अपने अपनी जिंदगी के बारे में तमाम जवाब जो है ना वो खुद देने पड़ेंगे वाला तजी वाजरतन वजरा खरा आप कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा आप कल को ये नहीं कह सकते कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी तरबियत की थी तो अब मैं इसीलिए इस तरह का निकल गया हूँ आपके पेरेंट्स ने जो भी किया था दैट इज़ फॉर देम टू आंसर अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ यू टेक योर लाइफ फॉरवर्ड फ्राम हेयर और साथ साथ ये भी मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि पेरेंट्स ने आपके साथ जितनी मर्जी ज्यादा की हो जैसी मर्ज़ी आपके साथ बुरी तरबियत की हुई हो जैसी मर्जी बदसलूकी की हुई हो यू आर नो वन टू जज दैम एंड यू आर नो वन टू होल्ड दैम रिस्पॉन्सिबल और यू आर नो वन टू स्कोल दैम ओवर दैट आप उनको Absolutely. नहीं चेक कर सकते आप उनके ऊपर नहीं चेक कर सकते ये सवाल जवाब अल्लाह से मातारा ने उनके साथ करना है तो कभी भी कभी भी जो नौजवान हमें सुन रहे हैं मुझे लगा था कि शायद हमारी सारी गुफ्तु जो है ना उनको लगे कि हमारे पास मवाद आ गया जरा कि आपका कसूर था इट्स नॉट लाइक दैट ये, तो ये, ये आपका अब अब आपके पास अपनी ज़िम्मेदारी है अपनी ज़िम्मेदारी है अपनी ज़िंदगी है ऑन इट एब्सोल्युटली वजी भाई बहुत खूबसूरत बात की हैदर भाई ने मैं भी यही पॉइंट रेस करूँगा कि पहली चीज़ तो हम ये समझें कि वालदे जो हैं वो कभी भी मलिशस इंटेंट के साथ जो है ना कोई रवैया या कोई गलती नहीं करते उनसे कोताहियाँ हो जाती हैं वो भी इंसान हैं वो कभी चाह के वो चीज़ें नहीं करते हैं, बस उनको समझ नहीं होती उस चीज़ की बिल्कुल पेरेंट्स से जो कोताहियाँ हुई जो गलतियाँ हुई वो उनका अल्लाह का मामला है अब आपका वक्त है अल्लाह सुबहान तला ने आपको क्या अहकामा दिए रसोल्ला सल्ह्लम की हदीस है कि द प्लेजर ऑफ अल्लाह सुबहान तला इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लेजर ऑफ़ योर पेरेंट्स और अल्लाह सुबहान तला का डिसजर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर डिस प्लेजर ऑफ़ योर पेरेंट्स इफ़ यू वॉन्ट टू प्लीज़ अल्लाह प्लीज़ योर पेरेंट्स एक सहाबी थे जो यमन से आए थे और वो रसूल सल्ला वलम के पास आए और उन्होंने कहा कि यार रसोल्ला मैं आया हूँ बैत लेने आपके हाथ पे इस्लाम के लिए अपनी अपनी ज़िंदगी सर्व करने और मैं अपने माँ बाप रो रहे थे लेकिन मैं उनको छोड़ आया ताकि मैं दीन को सर्व कर सकूँ रसूल सल्ला वसलम ने उसको जवाब दिया कि तुम ये कैसे मतलब इस तरीके से तुम जन्नत कैसे अचीव करोगे रसोल्ला सल्ला वसलम ने हुक्म दिया उन्हें कि वापस जाओ और अपने माँ बाप को वैसे ही हंसाओ जैसे तुमने उनको रुलाया और इसी हदीस के बाद एक हदीस आती है वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा को बताते हैं कि द इजीएस्ट वे टू एंटर जन्नत इज थ्रू योर पेरेंट्स अपने वालदेन के थ्रू आप एंटर होते हो जन्नत में इब्न जुबैर जब वफात उनकी हुई थी तो उनके बेटे बहुत रो रहे थे तो सहाबा गए उनके पास उनको कंसोल करने तो उन्होंने कहा मैं सिर्फ इसलिए नहीं रो रहा कि मेरे वालिद जो है वो आ, जो है फ़ोत हो गए मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जो मेरा सबसे आसान तरीका था जन्नत अचीव करने का वो बंद हो गया वो दरवाज़ा मुझ पर बंद हो गया तो वालदे का अल्लाह अब कुरान में आ, फरमाते हैं वह बिलवाली एहसान है एहसान एक्सीलेंस का आपने अपना अमल रखना है नो मैटर उनसे गलतियाँ हुई नो मैटर वो कभी कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बहुत सख्त होते हैं कभी कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अनजाने में जुल्म कर जाते हैं ये नहीं कि उनकी इंटेंशन होती हैं उनको नहीं होती समझ लेकिन आपने अपना बेहतरीन रवैया रखना है अल्लाह सुबहान तला अल्ला आपसे आपके अमल का पूछेंगे तो ये चीज़ जो है हमें देख कर और इस चीज़ पर अमल करना है हमने अपने पेरेंट्स की जो एक्शनस थे उन पे उनको ग्रजेज़ रख के उन उस तरह का सलूक नहीं करना बल्कि जो बेहतरीन एहसन दर्जे का सलूक है वो उनसे करना है बच्चों को और वालदेन को दोनों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी समझने की ज़रूरत है सो दिस इज़ अबाउट इट गाइस और इन ताला आई होप आपको शो अच्छा लगा हो जाते जाते एक नसीहत अपने लिए और आप लोगों के लिए कि जैसे हैदर और जहरे ने कहा कि माँ बाप ने अपना अपने हिसाब से कोशिश की उसमें गलतियाँ भी हो सकती हैं उसमें सही चीज़ें भी हो सकती हैं आप उस आ, एक्सेस बैगेज को लेकर उनके ऊपर बार बार नहीं डाले जा सकते उनको गिल्टी फीलिंग नहीं करा सकते आपने अपना रोल अदा करना है आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है कि अब आपने क्या करना है अगर आपको ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने माँ बाप की जिम्मेदारियों को निभाने की और सबसे बड़ी चीज़ ये कि अपने माँ बाप के साथ वो ताल्लुक़ बिल्ड करने की माँ बाप को भी चाहिए कि अगर आप चाहते हैं औलाद दुरुस्त हो तो आपने वो डेमोंस्ट्रेट करना है वो रवैया उनके सामने करना है जो चाहते हैं कि आप अपने माँ बाप के साथ करें ताकि आपकी औलाद भी आपके साथ करें तो डेमोंस्ट्रेट द वेरी बिहेवियर जो आप चाहते हैं कि अपनी औलाद में रहे क्योंकि वो मामला क्यामद का बहुत सख्त है उस दिन अल्लाह सुबा तरमाता य उमय यमर उमिन अमी वाबत ही बनी कि उस दिन सब दूर भागेंगे बिल्कुल लिम्रमिन हम य उगनी हर किसी को अपने मामले परेशान कर रहे होंगे हर किसी को अपने मामले की फ़िक्र होगी क्योंकि उस हर किसी को अपने मामले में बचाने के लिए जो है उसको एक परेशानी होगी लेकिन अल्लाह सुबहान त उन माँ बाप को जिन्होंने अपनी औलाद की तरबियत अल्ला ताला के खौफ और तकवे की बिना पर की और उन औलाद ने जो अपने माँ बाप की खिदमत की अपने रब की तकवा और रजा हासिल करने के लिए अपने तकवे की बिना पर वो चीज़ उनको बचाएगी कि उस दिन उनको इस चीज़ के खौफ़ से निजात होगी अल्लाह सुमात हमें भी नेक ओलाद में शामिल करे अल्लाह सुमातः हमें ऐसे माँ बाप बनाए जो अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करे और हमारी नस्लों को को जो है अल्लाह सुमात ईमान और तकवा और साल अदा करने की तोफ़ीक़ अदा करे अल्ला से मतलब हमें वो रोल अदा करे कि हम खाली बातें ना करें बल्कि अल्लाह से मतला हमें अमल करने वाला भी बनाए अल्लाह से मतला हमारी इन कोशिशों को कबूल करे और अल्लाह साल हमें अमल करने वाला बनाए क्योंकि अगर सारी बातें और अमल नहीं है तो फिर बातें हैं तो अल्लाह उम्मा तै आप सब कुछ ज़ाखिरता अता करें आपने शो अटेंड किया कोई ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप चाहते हैं कि आप उसको हम, हम उसको अपने शोज में हाईलाइट किया करें इन इन इनशाला प्लीज़ डू सेंड इन योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन इनशाला वी विल ट्राई एंड एड इन अगमेंट नेक्स्ट टाइम इन अ शो वेर वी कैन एक्चुअली आंसर योर क्वेश्चन और आप लोगों के लाइव क्वेश्चन नाम के साथ इन शाला तला आपको शार्ट आउट दे किया जाएगा इन शाल वी विल भी हैविंग अ सेगमेंट जिसमें हम आपके क्वेश्चन को आंसर करेंगे एंड इन शाल वो आपके सामने रखा जाएगा स्क्रीन पर भी आएगा सो प्लीज़ डू सेंड ट जजैर अपनी दुआ में याद रखियेगा इन शेक्सट फ्राइडे सेम टाइमिंग टल दिन असल वर हम वर्क